नमस्कार, मैं विद्या, अनुष्का किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कचौरी, लेकिन यह कोई आम कचौरी नहीं है, बहुत ही खास कचौरी है। इसके पैटर्न में मैंने कुछ बदलाव किया है। इसका आकार मैंने फिंगर रोल्स की तरह बनाया है ताकि बच्चों को खाने में मज़ा आए, बच्चे चीज़ डिप के साथ खाए, चटनी के साथ खाए, इसका आकार देख के ही बच्चों का मन लल जाए। तो चले फिंगर रोल कचौरी बनाना हम शुरू करें। कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे में देंगे स्वाद अनुसार नमक और मैंने 1 चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी लिया है। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। घी देंगे हम, आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने इस मेजरमेंट कप से ली है। अब हम घी को मैदे में पूरा मिला लेंगे। घी मिल चुका है और यह डो इस तरह से बनने लगा है, मतलब परफेक्ट डो बन चुका है। जरूरत के अनुसार पानी देंगे हम, थोड़ा थोड़ा, इकट्ठा नहीं देना। और आटा लग चुका है। हमें मीडियम आटा चाहिए, जो हम रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त, हल्का सा। अब इसे मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ, कपड़े से ढककर, गीले कपड़े से ढककर इसे हम छोड़ देते हैं। अब चलते हैं स्टफिंग बनाने के लिए। स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 कप मूंग दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखा था और भिगो कर मैंने इसका पूरा पानी निकाल लिया है, एकदम ड्राई कर लिए। इस तरह से कुछ भी पानी नहीं बचा। अब हमें इसे दरदरा पीसना है, बस मिक्सर के जार में डालना है और 2 से 3 सेकंड तक चलाना है और दरदरी पीसी हुई हमें दाल चाहिए। तो अब मैं और इस तरह से हमें दरदरी पीसी हुई दाल चाहिए। अब चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई में देंगे तेल। तेल के गर्म होते ही देंगे 1 चम्मच जीरा, आज को मैंने धीमा ही रखा है। जीरे के बाद देंगे 1 चम्मच सौंफ, सौंफ को मैंने भून के क्रश कर लिया है। ख्याल रखें, भूनना और क्रश करना जरूरी है सौंफ को। और यहाँ पर 1 चम्मच धनिया को भी मैंने क्रश कर लिया है, आज को धीमा ही रखा है। मिला ले अच्छे से, सारे मिश्रण को डालेंगे। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, बेसन मैंने 3 चम्मच बेसन लिया है। बेसन को हम भून लेंगे धीमी आंच पर, इसमें बेसन बहुत जरूरी है। बेसन को हमें लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भूनना है, जब तक बेसन की भूनने की खुशबू ना आए तब तक। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर देंगे 1/4 चम्मच काला नमक दे रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक, और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच देंगे सॉल्ट पाउडर। यहाँ पर मैंने 8 से 10 गोल मिर्च, काली मिर्च को दरदरा कूट लिया है। 1 चम्मच भर के मैं अनारदाना का पाउडर दे रही हूँ। आप चाहे तो आमचूर दे सकते हैं, नींबू का सद दे सकते हैं, नींबू का रस दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन मुझे अनारदाने का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। 1 चम्मच कसूरी मेथी और चुटकी भर हींग है, हींग का मैंने पानी कर लिया है। मसाले गल चुके हैं और मैंने 30 से 40 सेकंड तक इसे भून लिया है। अब देंगे जो हमने दाल को दरदरा पीस लिया था वो दाल दे रही हूँ मैं, और दाल को और मसालों को अच्छे से मिला लें। दाल में ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का बहुत ख्याल रखना है हमें। और इसे हमें पूरी तरह से ड्राई रोस्ट करना है, 4 से 5 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए मिलाते हुए हमें इसे पका लेना है। आँच को धीमा ही रखना है। हमने इसे पका लिया है और पूरी तरह से ये बन के तैयार है, एकदम ड्राई बन गई है पाउडर की तरह। अब हम सबसे आखिर में इसमें देंगे पिसी हुई शक्कर 1 चम्मच। शक्कर मिल चुकी है, स्टफिंग तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब चलते हैं कचौरी बनाने के लिए। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई। स्टफिंग को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। अब हम डो के तरफ आ चुके हैं, देखेंगे डो को हम थोड़ा फिर से भून लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा
कड़क है तो थोड़ा सा पानी का हाथ लेके इसे सॉफ्ट करें। यहाँ पर डो सॉफ्ट कर लिया है मैंने, अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पर मैंने कुछ पेड़े बना लिए हैं, अब हम बेलेंगे। हमें एक काम करना है, एक चम्मच यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, इसका हमें घोल बना लेना है और मिला ले। अब इसे हम साइड में रख देते हैं, छोटा सा पेड़ा आटे का। अब हम इसे बेलेंगे। बेल लिया है, हमें इसे ना ज्यादा पतला बेलना है ना ज्यादा मोटा बेलना है, मीडियम साइज से हमें इसे बेलना है इस तरह से। अब इसे बेल लेने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे, हमने जो घोल बना के रखा था मैदे का, उसमें से हम घोल लेंगे और कचौरी को किनारों से हम फैला लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, स्टफिंग लेंगे। स्टफिंग को हम इसे इस तरह से एक साइड के में रखेंगे। इस तरह से हम स्टफिंग को सेट कर लेंगे और इसे उठाएंगे हम इस तरह से और रोल करेंगे। टाइट रोल करना है हमें इस तरह से। रोल बन गया, बड़े आराम से रोल बन जाता है। और इसके किनारे हैं, इसे किनारों को भी हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हमने जो मैदे का घोल जो लगा के इसे हमें चिपका दिया था वो हमें काम आ रहा है, और इसे थोड़ा सा हम रोल करेंगे। और ये बन गई हमारी फिंगर रोल कचौरी, छोटी छोटी, खाने में वही स्वाद लेकिन खाने का मजा अलग, ये फिंगर रोल कचौरी का। तो इसी तरह से हम अभी सारी कचौरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रख दिया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना और बहुत कम भी गरम नहीं चाहिए, हमें मीडियम तेल गरम चाहिए। तो हम पहले चेक करेंगे तेल कितना गरम हो चुका है। मैंने डाल दिए हैं, दूसरी डाली। प्याज को मीडियम से लो के फ्लेम में रखना है, बहुत ज़्यादा तेज बिल्कुल भी नहीं करना। और यह उठ रही है इस तरह से, पलट ले थोड़ा कचौरियों को, बीच बीच में हम चलाते जाएंगे, चारों तरफ से कचौरियों का रंग अच्छे से आना चाहिए, आंच को हमें तेज नहीं करना। अभी कचौरियों ने रंग बदलना शुरू किया है, अब हम हल्का सा आंच को तेज करेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा हमें तेज नहीं करनी, हल्की सी आंच को मैंने तेज कर दिया है। और हमें इसे बहुत अच्छे से सुनहरे रंग तक तल लेना है और बहुत ही परफेक्ट इसका रंग आ चुका है, तल के तैयार है। इसके ऊपर के जो बबल्स आप देख रहे हैं उतने ही खस्ता नजर आ रहे हैं और बहुत ही गजब के और बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और सारी कचौरियों को इस तरह से तल लेती हूँ। और ये आ गई कचौरी और हरी चटनी और विदेशी चीज डिप। देसी कचौरी के साथ विदेशी डिप का मज़ा बहुत ही अलग है और बहुत ही मज़ेदार है, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर बनाएं। अगर आपको यह फिंगर रोल कचौरी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अनुष्का किचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।